भूल कर भी ये गलती कभी ना करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें आपको पता लगेगा कि इन लोगों ने इसमें क्या क्या गलती करी है जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा हादसा होने से टल गया, जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अंदर कि लोग गाड़ी की रॉड निकाल कर इसमें से बर्फ़ खोद खोद के ट्रक में डाल रहे हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसकी आग बुझा पाएं। ट्रक के दोनों साइड आगे से भी देखो तो बर्फ़ के गोले ही गोले इसमें डाल रहे हैं ताकि इसकी आग बुझ जाए। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे गाड़ी के दिख नहीं रहे हैं कहीं भी। बहुत ढूंढने की कोशिश करी लोगों ने लेकिन इस गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिले। फायर ब्रिगेड बुलाई है लेकिन यहाँ पे हिल एरिया होने की वजह से पीछे काफ़ी किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँच पा रही है। स्थानीय लोगों ने ही यहाँ पे जैसे तैसे करा है और अपने ड्राइवर भाइयों ने यहाँ पे बहुत हेल्प करी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि बर्फ़ की हेल्प से ही कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझाई जाए और सक्सेसफुली इन्होंने आग बुझा भी दी। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी है। थोड़ी सी खरोचे वगैरह तो ज़रूर आई हैं इसमें और थोड़ा सा ड्राइवर को जलने के भी निशान आए हैं। हर बंदा इसमें कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से इसकी आग बुझाएं ट्रक की, किसी को कोई नुकसान ना हो और हाईवे क्लियर हो। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये लाल जैकेट वाला जिसने कैप पहनी हुई है, ये ट्रक के ऊपर ही चढ़ गया और ये इसकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि अंदर किसी भी तरीके का ब्लास्ट हो सकता है। हमें कोई जानकारी नहीं है कि इसके अंदर आग बुझ गई है कहीं पे, अगर हल्की सी चिंगारी हुई कुछ हुआ तो डीजल गाड़ी है कभी भी आग पकड़ सकती है। तो खासकर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग इसको देखें, इसको ज़रूर ध्यान दें कि अगर कभी भी ऐसी कोई चीज़ रोड पर या हाईवे पे देखते हैं तो दूर से ही हेल्प करने की कोशिश करें, एकदम ऐसे गाड़ी के पास ना जाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इसमें आप देखो ये कोशिश कर रहा है अंदर जाने की और ये बहुत ही ज़्यादा गलती है, ये शायद अंदर ही ना चला जाए। एट लास्ट इसमें सिर्फ ट्रक के कैबिन का ही लॉस हुआ है, पीछे का जितना माल था बॉडी का कोई लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ कैबिन। पूरी गाड़ी हमारी सेफ हो गई कैबिन को छोड़। देखो इसमें आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ कि हम लोग सभी आउटिंग पे जाते हैं हिल एरियाज़ वगैरह में सब कुछ, और हर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और आई थिंक स्पेशली जो ये दिल्ली साइड के होते हैं इनको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो इस कंडीशन में कोशिश ये करें कि कभी ओवरटेक ना करें, बीइंग रीज़न कि जब आप ओवरटेक करते हैं तो आगे हाईवे पे जाम लग जाता है, जिससे फायर ब्रिगेड आनी है या कोई इमरजेंसी हेल्प भी अगर किसी को देनी होती है तो उस कंडीशन में उसको हेल्प नहीं मिल पाती क्योंकि हम लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं अपना जल्दी जाने के चक्कर में और एट लास्ट हम उतना ही लेट हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो लोग हेल्प तो करना चाह रहे हैं लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जैसे जो 7 गाड़ियां हैं इन लोगों को कितना नुकसान है, इनके गेट भी नहीं खुल सकते क्योंकि ओवरटेक करने के चक्कर में इन्होंने एकदम ट्रक के 7 गाड़ी लगा दी। अब इस कंडीशन में क्या है, ना ये गाड़ी बैक कर सकते हैं, ना ये गाड़ी आगे ले जा सकते हैं, ना ये गेट खोल सकते हैं। तो इनकेस अगर ट्रक में पूरी आग लग गई और इनकी गाड़ी को भी आग लग गई तो जितने अंदर हैं वो अंदर बैठे बैठे ही उनको जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक तो कभी ओवरटेक ना करें हिल एरिया पे, कभी भी जब आप ऐसी हाईवे पे या रोड पे कभी देखते हैं कि कोई गाड़ी में आग लगी है कुछ है
उसके लिए हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास जाना गलत है, क्योंकि जब आग लगी होती है तो हमें नहीं पता कि अंदर कितनी लेवल पे आग लगी हुई है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है इससे। और दूसरा क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे इसको बुझाने के लिए, तो अगर वो ब्लास्ट हो गया तो वो कितना भी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो एक तो रोड को क्लियर रखें ताकि फायर ब्रिगेड वगैरह जो है वो जल्दी से आए और इस कंडीशन को संभाल पाए। दूसरा, जितने भी कोशिश कर पाए, पानी डालना है, बर्फ़ डालनी है हिल एरियाज़ में, या किसी भी तरीके से डालना है, मिट्टी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप आग बुझाना चाहें उस टाइम, तो उसको कम से कम दूरी बना कर रखें, बहुत ज़्यादा पास उसके ना जाएं। Don't do this.